ऑरेंज ट्रेन पैसे खाने वाली मशीन बन गई। तामीराती लागत में 34 अरब 49 करोड़ रुपए का इजाफा। एग्जिम बैंक चाइना से मिलने वाली रकम कम पड़ गई। मास ट्रांसिट अथॉरिटी ने पंजाब हुकूमत से मजीद फंड्स मांग लिए। ऑरेंज ट्रेन का किराया भी तहाल तय ना हो सका। चीफ सेक्रेटरी ने चेयरमैन PND बोर्ड को जिम्मेदारी सौंप दी। बाघों का शहर अब स्काई स्क्रैपर्स का शहर बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म के अहकाम पर कसीरुल मंजिला इमारत के मंसूबे में तेजी। LDA ने फाइनेंस ट्रेड सेंटर का तखयलाती मॉडल तैयार कर लिया। मॉडल में स्काई स्क्रैपर्स बिल्डर्स की जोन की निशानदेही की गई। वॉक ई साइकिल लेन ग्रीन एरिया ट्रेड सेंटर की खूबसूरती बढ़ाएंगे। मुल्क का सबसे बड़ा होटल भी तामीर किया जाएगा। कराची के सरमायाकारों की कसीरुल मंजिला इमारतों में दिलचस्पी। बिल्डर्स और डेवलपर्स के 10 रुकनी वफ़द की लाहौर आमद। मोटरसाइकिल खरीदने से कबल लाइसेंस जरूरी। अब बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड नहीं होंगे। नए मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन के लिए लाइसेंस लाजमी करार। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी ड्राइविंग लाइसेंस से मशरूत होगी। फैसला ई चालान जमा कराने और ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी के वाकयात पर किया गया। पुराने बल्दियाती निज़ाम को बचाने के लिए बल्दियाती नुमाइंदों की भागदौड़। मेयर लाहौर मुबशर जावेद, मेयर फैसलाबाद अब्दुलरज़ाक हाईकोर्ट पहुंच गए। अदालत में दरख्वास्त जमा करवाती, मौजूदा बल्दियाती निज़ाम को बहाल रखा जाए, बल्दियाती नुमाइंदों को मुद्दत पूरी करने दी जाए, दरख्वास्त में मौकफ। कॉपी लाहौर न्यूज़ को मौसूल। बल्दियाती नुमाइंदे कहते हैं कि पंजाब बचाओ तहरीक शुरू हो चुकी। नया बल्दियाती बिल 58,000 नुमाइंदों के साथ ज्यादती है। हर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। अवामी मफाद का बिल जल्द नाफिज करना चाहते हैं। वज़ीर कानून पंजाब की असम्बली आमद पर गुफ्तगू। बोले PAC 1 की सरबराही का फैसला सोच समझ कर करेंगे। कहीं नून लीग को मरकज की तरह सूबे में भी फैसला तब्दील ना करना पड़ जाए। बल्दियाती बिल के खिलाफ कमजोर हिकमत अमली पर नाराजगी। हमजा शहबाज की PAC की सरबराही खतरे में पड़ गई। अक्सर लीगी अरकान नाला, PAC कमेटी के बारे में खामोशी इख्तियार कर ली। मलिक अहमद खान, ख्वाजा सलमान और मलिक नदीम कामरान मुतबादिल नामों की दौड़ में शामिल। पुराने बल्दियाती निज़ाम के हक में जमात इस्लामी भी मैदान में आ गई। बल्दियाती इदारों की मुद्दत पूरी करवाने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी जावेद कसूरी कहते हैं पंजाब हुकूमत ने जल्दी में बल्दियाती बिल पेश किया। तहरीक इंसाफ अपने मन माने नतायज हासिल करना चाहती है। ब्यूरोक्रेसी की वजह से इदारे बाख्तियार नहीं बन सकेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास। वजीर ज़कात पंजाब का साबिक हुकूमत के ज़कात फंड्स के ऑडिट का मुतालबा। ऐवान में खड़ा होकर कहता हूँ कि करप्शन हुई है। नून लीग ने ज़कात के पैसों को भी माफ नहीं किया। शौकत अली लालिका का ऐवान में खिताब, हमने कोई करप्शन नहीं की। वजीर जज्बाती गुफ्तगू से परहेज करें। मलिक नदीम कामरान का जवाब, बोले कि अगर करप्शन साबित हो गई तो मुस्ताफी हो जाऊंगा। डेप्टी स्पीकर की एक बार फिर कच्चे के इलाके में ऑपरेशन की हदायत। खैबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी के 1700 मुतासरीन में मालिकाना हकूक के लेटर तकसीम। तकरीब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर चौधरी खलीकुज़्ज़मान और डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एहतराम डार की शिरकत। 7.5 अरब रुपए के 1500 प्लॉट और 197 मकानात के पोजीशन लेटर मुतासरीन के हवाले कर दिए। नैब लाहौर। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत की समाअत करने वाला बेंच तब्दील। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ को रावलपिंडी बेंच मुंतकिल कर दिया गया। जस्टिस अली बाकर नशवी की सरबराही में 2 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस अली बाकर नशवी और जस्टिस सरदार अहमद नईम दरख्वास्त जमानतों पर समाअत करेंगे। जजेस रोस्टर जारी कर दिया गया। रमजान मुबारक की वजह से बेंच को तब्दील किया गया। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट का मौकफ। लाहौर में पोलियो वायरस का खतरा बरकरार। रवा बरस दूसरा केस रिपोर्ट। 11 रोज कबल फौत होने वाले 10 साल बच्चे मुबशर में पोलियो वायरस की तशखीस। बच्चा कैंसर का मरीज था।
मेडिकल रिपोर्ट में पोलियो वायरस की भी तस्दीक हुई। बच्चा इलाज से पहले ही दम तोड़ गया। डॉक्टर्स की टीम ने कल घर आकर बताया कि बच्चा पोलियो का शिकार था। मुबशर के वालिद की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। मरीज इलाज वास्ते आए ने, उन्होंने इलाज जरूर कर, अपने मुतालबे भी रखन, लेकिन इलाज जड़ा है वो जरूर करन। और फैसला बात से हम आए, हमें तो पता नहीं भी हटार है या नहीं है। अब हम 500 रुपया गाड़ी 5000 गाड़ी का करा के आए हैं। जड़े दूरों दूरों आए हैं, वापस जाएंगे किड्डा दुख होएगा, कितना पैसा ला के होंगे। बहुत ज्यादा दूर से आए हैं, इतना किराया भी लगाया, इतनी महंगी उन्होंने दवाइयाँ लिख के दी थी जो हमने यहाँ से आके ली, और आगे पता लगा हड़ताल है। रिलीफ नहीं तकलीफ, मसीहाओं का काम। MIT एक्ट के खिलाफ यंग डॉक्टर की भीड़ के हड़ताल, सरकारी अस्पतालों के दरवाजे मरीजों के लिए बंद, OPDs की तालाबंदी। मेयो अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, शेख जैद अस्पताल, जिना अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल के आउटडोर बंद रहे। दूर दराज से आए मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। YTA ने मरीजों के मुश्किलात की जिम्मेदारी महकमे सेहत पर डाल दी। MIT एक्ट किसी सूरत मंजूर नहीं, सदर YTA कासिम एवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यंग डॉक्टर्स को हॉस्पिटल बंद करने के लिए बहाना चाहिए। एहतजाज से हुकूमत को मसला नहीं, मरीजों को तंग करते हैं। तनख्वाहें बढ़ा दें, पेंशन भी मिलेगी। एहतजाज बिला जवाज है। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का YDA के एहतजाज पर रद्द अमल। पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी केस ख्वाजा बरादरान के जुडिशियल रिमांड में 16 मई तक तौसी। सलमान रफीक एहतसाब अदालत में पेश, साद रफीक इस्लामाबाद में होने के बायस पेश ना हो सके। पेशी के बाद ख्वाजा सलमान रफीक की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। नाअहल और जाहिल हुक्मरान की वजह से मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी, सुनामी तबाही का नाम है। 72 घंटों में अद्वियात की कीमतों में कमी का वादा पूरा ना हो सका। रमजान में आवाम को रिलीफ देने का अज़्म। 30 रमजान बाजारों में फेयर प्राइस शॉप्स फल, सब्जियों, फलों, दालों और घी समेत 19 अशिया पर 50% सब्सिडी। लीमू देसी 149, भिंडी 107, प्याज 23, टमाटर 21 रुपए किलो मुकर्रर। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तादाद में इजाफा किया जाए। चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोखर की अफसरान को हदायत। रमजान बाजारों में CCTV कैमराज लगाने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर साले सईद की मॉनिटरिंग रूम को फौरी फाल करने की हदायत। टेक्निकल स्टाफ का स्केल अपग्रेड करो। रेलवे डिप्लोमा इंजीनियर्स और सुपरवाइजर एसोसिएशन का मुतालबात के हक में अकट। DS रेलवे वर्कशॉप के दफ्तर के सामने एहतजाजी जलसा। रेलवे इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में पहिया जाम करने का ऐलान। CIA कैंट की बड़ी कार्रवाई। 8 अफराद को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अली रजा ने मुरीदके में 5, बागबानपुरा में 3 अफराद को कत्ल किया। मुलजिम के कब्जे से भारी मकदार में असलहा भी बरामद कर लिया। नए DIG और SSP ऑपरेशंस ने अहदे का चार्ज संभाल लिया। SSP ऑपरेशंस लाहौर इस्माइल खाड़ा कहते हैं, अवाम के जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि थानों में अवाम को रिलीफ मिले। लाहौर को अमन का गहवारा बनाना हमारा मिशन है। सूबाई वजीर महबूद आबादी हाशिम डोगर ने बच्चे दो ही अच्छे का नारा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं माँ और बच्चे का सेहतमंद होना ज्यादा अहम है। जच्चा बच्चा की सेहत के लिए हुकूमत इकदाम कर रही है। फ्लैटीज होटल में महकमा महबूद आबादी के जरिए तमाम उल्मा कन्वेंशन से खिताब। नए पाकिस्तान में भी रेलवे का पुराना निजाम, ट्रेनों का लेट होना मामूल बन गया। मूसा पार्क मुल्तान एक्सप्रेस ताखिर का शिकार, सफर आजाब बन गया, मुसाफिर सरापा एहतजाज बन गए। हाईकोर्ट में चिड़िया घर के लिए हाथी की दरामद ना होने के खिलाफ केस। ये अदलिया के करने के काम नहीं, मगर ऑफिसर काम करने को तैयार नहीं। सरकारी दफातर में हो क्या रहा है, निजाम में बेहतरी की कोई कोशिश क्यों नहीं की जा रही। अदालत के रिमार्क्स। ऐवान कायदे आजम जोहर टाउन में मादर मिल्लत लाइब्रेरी का इफ्तिताह। लाइब्रेरी में नजरिया पाकिस्तान, तारीख, इस्लामी कुतुब,
سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت مختلف موضوعات پر مبنی سینکڑوں کتب کا ذخیرہ۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد۔ ڈاکٹر رفیق احمد اور جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان سمیت ادب سے لگاؤ رکھنے والی شخصیات کی شرکت۔ شاہی قلعہ کی سرنگ تہہ خانے میں تبدیل، کھدائی کے دوران آئے روز نئی دریافتیں۔ شاہی کچن اور مصمم دروازے کے درمیان 15 میٹر زیر زمین تہہ خانے کا انکشاف۔ کھدائی کرنے سے نیچے اترتی سیڑھیوں سے نیا راستہ ملنے کا امکان ہے۔ ڈائریکٹر والٹ سٹی نجم الساقر۔ فلم مولا جٹ کی ملکیت کے تنازع میں نیا موڑ، پروڈیوسر سرور بھٹے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں بھی کیس دائر کر دیا گیا۔ فلم کے انویسٹر چوہدری جمیل کے وکیل کی پریس کانفرنس، بولے کہ 1979 میں باہو فلم نے مولا جٹ بنائی۔ مولا جٹ 6 لوگوں کی اونرشپ تھی۔ سرور بھٹی مولا جٹ کا اکیلا مالک نہیں، سرور بھٹی نے جعلی دستاویزات بنا کر پیش کی۔ ہفتہ شجرکاری کے تحت نولکھا چرچ میں پودا لگانے کی تقریب۔ فیسز آف پاکستان کے عہدیداروں کی شرکت۔ شرکا کا شجرکاری کے ذریعے فضائی آلودگی کو مل کر ختم کرنے کا عہد۔ اور الحمرا ہال میں یوتھ پیس فیسٹیول، ڈراما، میوزک اور میمیکری سمیت دیگر پرفارمنسز پیش کی گئیں۔